जनपद एटा के कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को कार्य बहिष्कार आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनपद एटा के दूर दराज से आए ग्रामीणों को अपने काम नहीं, इन कलेक्ट्रेट कर्मियों के बहिष्कार की वजह से लोगों को बिना काम के ही वापिस लौटना पड़ा। एटा में कल से उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने सरकार से अपनी चारों मांगों को पूरा करने की मांग की है। एटा में अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार आज दूसरे दिन भी जारी रहा। एटा में कल से उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हैं, जिसकी वजह से जनपद के अलग अलग कोनों से आए लोग सरकारी कार्यालयों में अपने कार्यों के लिए भटकते रहे। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि हमारी प्रमुख मांगों में सबसे पहले कार्यालय जिलाधिकारी के स्थान पर जनपद सचिवालय किया जाए और कलेक्ट्रेट के लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के 10% पदों पर पदोन्नति प्रदान की जाए और तीसरी मांग करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण एवं संशोधन संबंधी शासनादेश दिनांक 31 मई 2013 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 द्वारा प्रख्यापित नीति माइनस 2011 के अनुसार पदोन्नति की जाए। और उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट में लेखा का कार्य करने वाले पटल सहायकों को लेखा संवर्ग का वेतन दिए जाने की मांग की है। वहीं प्रमुख मांगों में पुरानी पे राजस्व पर्षद ने कई बिंदुओं पर जो हमारी मांगे शासन में विचाराधीन है, राजस्व पर्षद ने उसको फॉरवर्ड किया है, उसका अनुमोदन के लिए शासन में पेंडिंग डाले हुए हैं और 14 सूत्री मांगे हैं, उनमें हमारे अभी तक शासन में सुनवाई नहीं हुई। फिर और 29 और 30 नवंबर कल भी हमारा कार बहिष्कार का कार्यक्रम रहा है और आज भी हम लोग कार बहिष्कार कर रहे हैं। अगर शासन में हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो हम आगे भी प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आंदोलन करने के लिए विवश। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगे हमारी जनपद सचिवालय घोषित करने के संबंध में है जी।